नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ही महासंग्राम छिड़ चुका है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के साथ ही अब रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की जनसत्ता लोकतांत्रिक दल आमने सामने है और सभी का सपना है जिला पंचायत की कुर्सी पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार का कब्जा, जिसको लेकर राजा भैया के एक बयान से अब खलबली सी मच गई है, क्योंकि राजा भैया राजनेता होने के साथ साथ बाहुबली भी हैं, जिनके कहने पर रातों रात सरकारों के फैसले भी बदल जाया करते हैं। बता दें कि राजा भैया ने ऐलान किया है कि प्रतापगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से पहले ही 22 जिला पंचायत सदस्य उनके साथ हैं, जिसके बाद से मानो सभी पार्टियों में खलबली सी मच गई है। राजा भैया का कहना है कि उनके साथ पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों के साथ भारी संख्या में निर्दलियों का समर्थन है। इस बयान के बाद बीजेपी ने जिला पंचायत सदस्यों के लिए सम्मान समारोह और भोज का आयोजन किया। उस आयोजन को देखकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर प्रतापगढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती है। जिला पंचायत चुनाव में मात्र 6 सीटों पर सिमटी बीजेपी के पंचायत सदस्यों के सम्मान समारोह और भोज में जिले के दिग्गज नेता शामिल हुए। इसमें कैबिनेट मंत्री से लेकर विधायक तक और बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता भी मौजूद रहे, जहां राजा भैया के ऐलान को लेकर रणनीति बनाने पर चर्चा होती रही, क्योंकि प्रतापगढ़ में बीजेपी के टक्कर में ना ही कांग्रेस है और ना ही समाजवादी पार्टी। यहां पर बस एक ही किला है जिसे फतेह करना आसान नहीं, और वो किला है राजा भैया का, जिनका नाम और बाहुबल प्रतापगढ़ की राजनीति की लहर को बदल देने के लिए काफी है। ऐसे में देखना ये होगा कि डूबती कांग्रेस पार्टी किसका साथ देती है। आपकी क्या राय है, प्रतापगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी किसके नाम रहेगी, राजा भैया या फिर भारतीय जनता पार्टी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी राजनीतिक खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें वीके न्यूज़ यूपी। धन्यवाद।